थूके हुए कारतूसों से, राजनीतिक कारतूसों से भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि जंग जीत लेंगे तो ये उनकी खुशफहमी हो सकती है, गलत फहमी हो सकती है। जब तक आरसीपी बाबू थे यहाँ तब तक जदयू एकदम उफान पर थी। ऐसी बकवास और बेसलेस बातों का कोई औचित्य नहीं बनता है। देखिए, सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलकर ही भाजपा में स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कितने और कितने चले गए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक जी हमारे साथ हैं। दरभंगा में बीजेपी का कार्यक्रम हो रहा है जहां सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और आरसीपी सिंह जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले, और कह रहे हैं कि लव कुश समीकरण है उसके तोड़ने की बात हो रही है, एक कुशवाहा समाज से हैं। फूके हुए कारतूसों से, राजनीतिक कारतूसों से भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि जंग जीत लेंगे तो ये उनकी खुशफहमी हो सकती है, गलत फहमी हो सकती है। नीतीश कुमार जी के साथ हर समाज का वोट बैंक है। नीतीश कुमार जी ने हमेशा जमात की राजनीति की है, कभी जाति की राजनीति नहीं की है। ये लोग दम भरते रहे लवकुश 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 समाज, उससे कुछ होना जाना नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ हर समाज का वोट है, मजबूती से चुनाव में रहेगा, और ये लोग ऐसे फूके हुए राजनीतिक कारतूसों के दम पर जाएं जंग लड़ लें। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है खत्म हो चुके हैं, जदयू समाप्त हो चुकी है। जब तक आरसीपी बाबू थे यहाँ तब तक जदयू एकदम उफान पर थी। ऐसी बकवास और बेसलेस बातों का कोई औचित्य नहीं बनता है। षड्यंत्र कर रहे थे हमारी पार्टी के अंदर रहकर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर, और अब जब भाजपा में शामिल हो चुके हैं इसका मतलब है कि साजिश में शामिल थे। तो ये तो इनकी संस्कृति रही है शुरू से ही, और इन बातों से हमारी पार्टी पर, हमारे नेता पर, हमारी विचारधारा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। जी, कैसे देख रहे हैं जो नए संसद का जो निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन जो है देश के प्रधानमंत्री करने वाले हैं, आप लोग जो है इसका विरोध कर रहे, कैसे देख रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के पहले नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को लोग जानते समझते हैं, और संसद का लोकार्पण हो रहा है। संसद देश की जनता की है, भारतीय जनता पार्टी की मार्केटिंग के लिए नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने इस बात का कड़ा विरोध किया है। आप जो भाजपा के तरफ से हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरजेडी और जदयू जो बहिष्कार कर रही है, 2024 में बिहार की जनता उनको बहिष्कार कर देगी। अरे, मोदी जी आकर बिहार घूमकर देख चुके हैं, मुंह की खानी पड़ेगी। बिहार तो आइए, बिहार ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया है ना, आने वाले समय में और बुरा होगा। एक आखिरी सवाल है, इसको कैसे देख रहे हैं जो मंदिर को लेकर भाजपा जो है लगातार बयान दे रही है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं, और कैसे देख रहे हैं लगातार? अभी तो हम लोगों ने उनका पर्दाफाश किया है पूरी तरीके से, किस तरह से गुजरात से शुरुआत हुई मंदिर तोड़ने की परंपरा की, और विभिन्न प्रदेशों में जहां इनका शासन है वहां इस तरह की चीज़ें होती हैं, वहां तो इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन यहां धर्म के नाम पर राजनीति करना, इसलिए बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहेंगे? लगातार आपकी पार्टी पर टारगेट कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो उनको किसी कुटिया में जाके बैठना चाहिए, उम्र खत्म हो गया, मेमोरी लॉस बता रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलकर ही भाजपा में स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कितने और कितने चले गए। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में रहने का सिर्फ एक ही विषय रखे हैं, और इसलिए बोलते रहते हैं ताकि वो भारतीय जनता पार्टी में बने रहो। नीतीश कुमार खिलाफ उनकी जो राजनीति है, नीतीश कुमार खिलाफ बोलकर ही उनकी राजनीति जो चल रही है, और जिस तरीके संसद का जो नया निर्माण हुआ है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहिष्कार भी करेंगे, और ऐसे लोग हम लोग और हमारी पार्टी भी बहिष्कार करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।